अब देखो कि एक नई जाति के व्यक्ति ने, यानी जो उस समय वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न वर्ण का व्यक्ति था, और उसने काला शोक से सत्ता को प्राप्त किया था, और कहते बहुत सुंदर व्यक्ति था महापद्मनंद। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने समय का ऋतिक रोशन ही रहा होगा। तो परशुराम वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड पे सबसे अधिक क्षत्रियों का विनाश किया था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि घनानंद किसका समकालीन था। चाणक्य ने भी कह दिया कि अब मैं मगध साम्राज्य में पुनः तभी आऊँगा जब मैं नंदों का अंत कर दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने इस क्लब सिलेक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, इससे पहले हमने अपनी कुछ क्लासेस जीएस के अपलोड किए हैं। पहली तो हमारी क्लास थी सिकंदर के ऊपर, उसके बाद हमने मगध साम्राज्य के संघर्ष के बारे में बात की, और मगध जनपद पर शासन करने वाले वंश के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक वही है, मगध जनपद। और मगध जनपद पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश था, जिस वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का जो दूसरा शासक हुआ अजाशत्रु हुआ, और अजाशत्रु जब हर्यक वंश का राजा हुआ, अपने पिता की हत्या करने के बाद वो शासक बना। यानी बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजाशत्रु हर्यक वंश का राजा हुआ। अजाशत्रु की हत्या उसके पुत्र के द्वारा कर दी गई, उदयन के द्वारा। ठीक है, और उदयन की हत्या किसके द्वारा की गई? नागदशक के द्वारा की गई। हर्यक वंश में 3-4 ही राजाओं के द्वारा शासन किया गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पाटलिपुत्र शहर किसने स्थापित किया था? उदयन के द्वारा किया गया था। लेकिन ऑप्शन में अगर उदयन नहीं है तो आप किसको आंसर बताएंगे? अजाशत्रु। वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पाटलिपुत्र शहर की नींव अजाशत्रु के द्वारा रखी गई थी, लेकिन वो शहर का जो निर्माण कार्य था वो कंप्लीट उदयन के शासनकाल में हुआ, इसलिए उस शहर का संस्थापक उदयन को माना गया, और उदयन ने ही उसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और नागदशक की हत्या किसके द्वारा की गई थी? इसके ही सेनापति के द्वारा नागदशक की हत्या कर दी गई थी, और सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर हर्यक वंश का अंत किया, और हर्यक वंश के बाद मगध पर एक नए वंश की स्थापना की गई, नाग वंश। यानी मगध पर हर्यक वंश के बाद जो शासन करने वाला वंश हुआ उस वंश का नाम था नाग वंश। तो हर्यक वंश पर दूसरा, यानी मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा वंश कौन सा हुआ? नाग वंश। और नाग वंश ने किस वंश के बाद शासन किया? हर्यक वंश के बाद। और इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? नागदशक के सेनापति शिशुनाग के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। तो नाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग, ठीक है, तो शिशुनाग के द्वारा की गई। लेकिन इसने राजधानी को परिवर्तित कर दिया। यदि नागदशक के समय पर मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन राजधानी पाटलिपुत्र से परिवर्तित कर वैशाली ले जाता है। आखिरकार क्या कारण था कि इसने राजधानी को परिवर्तित किया? देखो, राजधानी परिवर्तित करने का मेन कारण यही रहा क्योंकि नागदशक पाटलिपुत्र में राजधानी में रहकर शासन करता था। अब जहाँ पर आप रह रहे होंगे, जहाँ पर आपका शासन होगा, वहाँ आपके पक्ष के अधिकारी होंगे, और उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मेरी हत्या कर दें जो नागदशक के फेवर के थे, इसलिए उस राजधानी को परिवर्तित करके चला गया, और इसने मगध की तीसरी राजधानी बनाई। तो प्रारंभिक राजधानी मगध की क्या रही? राजगृह। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र बनी, और पाटलिपुत्र के बाद जो राजधानी बनी वो वैशाली बनी, राजधानी वैशाली। तो देखो, एक एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम राजधानी राजगृह को किसने बनाया था? तो राजगृह सबसे पहले किसने बनाई? बिंबिसार ने। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? उदयन के द्वारा। वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने। ठीक है, तो उसके समय पर मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली थी, नागदशक के समय पर मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, लेकिन शिशुनाग से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन किससे आता है? एक जनपद से आता है, अवंती जनपद। देखो, इस जनपद के बारे में मैंने आपको बताया था, इस जनपद को जीतने के लिए एक व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया था, और उस व्यक्ति के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी, यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार।
और मैंने आपको बताया कि हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार और अवंती के राजा चंद्रप्रगुप्त के बीच में कई संघर्षों का जिक्र होता है, लेकिन उन संघर्षों का कोई परिणाम नहीं निकला और एक समय के बाद इन दोनों के बीच में संधि वार्ता हो गई, यानी सुलह हो गया। सुलह का कारण भी मैंने आपको बताया था। तो अब इन दोनों जनपद के बीच में जो आपसी तनाव था वो खत्म था। लेकिन कहते हैं कि जब नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा की गई तो अवंती जनपद ने मगध पर हमला करने का विचार करना शुरू कर दिया। और कुछ लेखक मानते हैं कि हमला करने का जो विचार था वो नागदशक के शासन काल में ही रखा गया, क्योंकि नागदशक एक अयोग्य राजा था, यानी मदरापान बहुत करता था, आइटम सॉन्ग बहुत देखता था। आइटम सॉन्ग का मतलब है कि हरम में जो नृत्य करने वाली महिलाएं होती हैं उनके नृत्यों को बहुत अधिक देखता था, ठीक है। उसे राजपाट से कोई मतलब नहीं था, मौसम बना के कभी भी सेना के निरीक्षण पर आ जाता था। और एक दिन क्या हुआ कि जब वो इस प्रकार का व्यवहार जो उसके शासन में चल रहा था उस व्यवहार के बारे में अवंती को पता चला, तो उन्हें लगा कि भाई अब नागदशक योग्य नहीं है, वो उतना योग्यवान नहीं है जितने योग्यवान उदयन, अजाशत्रु या बिम्बिसार थे। अब अवंती के शासक को लगा कि अब मगध को जीतना हमारे लिए बहुत आसान है और उसने योजना बना दी। इस योजना के बारे में पता चलता है मगध के सेनापति शिशुनाग को और कहते हैं कि शिशुनाग अपनी सेना को एकत्रित कर अवंती पर ही हमला करने पहुंच गया और अवंती के शासक को पराजित किया और अवंती को जीतकर मगध जनपद में सम्मिलित कर दिया। उसके इस कार्य से प्रजा बहुत खुश हुई, जो कार्य शिशुनाग के द्वारा किया गया, और प्रजा ने अपने सेनापति को ही अपना राजा स्वीकार कर लिया। और कहने कि उसे जो राजा बनने की प्रेरणा मिली वो यही था, यानी प्रजा ने स्वीकार किया। और जब प्रजा किसी को राजा के रूप में एक्सेप्ट करे तो फिर अगर वो सत्ता पाने के लिए किसी की हत्या भी कर दे तो उसके सामने कोई विद्रोह बगावतें नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए उसने हत्या कर दी नागदशक की और एक नया वंश स्थापित किया, नागवंश, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि अवंती जनपद को जीतकर मगध में किसने सम्मिलित किया, तो शिशुनाग के द्वारा किया गया, ठीक है। और शिशुनाग के बाद जो इस वंश का शासक हुआ वो उसका पुत्र हुआ, और पुत्र कौन था, कालाशोक, ठीक है। देखो आदमी सुंदर था, नाम कालाशोक था। कालाशोक और कालाशोक ने अपनी राजधानी क्या की, इसने भी परिवर्तित कर दी, और राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ ले गए, पाटलिपुत्र। अब एग्जामिनर ने यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कालाशोक ने मगध साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया था, या कालाशोक की राजधानी क्या थी, तो राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। और इसके पिता ने राजधानी किसको बनाया था, वैशाली को। यह वैशाली से राजधानी परिवर्तित कर पुनः कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र, जिस शहर को उदयन के द्वारा ही स्थापित किया गया था, ठीक है। तो राजधानी परिवर्तित की। दूसरा, इसके शासनकाल में दूसरी बोध सभा हुई, दूसरी बोध सभा, यानी बौद्ध धर्म अनुयायी था कालाशोक, और ये लगभग कब मानते हैं, 250 ईसा पूर्व, सॉरी ये 383 ईसा पूर्व है, क्योंकि पहली और दूसरी बौद्ध सभा के बीच में लगभग 100 वर्ष का अंतराल माना जाता है, ठीक है। स्थान क्या था, तो स्थान था वैशाली, और वैशाली को राजधानी किसने बनाया था, इसके पिता के द्वारा बनाया गया था। और अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था सभा कमी, और पहली का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बोध सभा के अध्यक्ष कौन थे, दूसरी बोध सभा के अध्यक्ष कौन थे। जब तीसरी बोध सभा होगी उसके बारे में हम बात करेंगे कि उस बोध सभा का आयोजन किसने करवाया, स्थान क्या था, किस जगह पर उस बोध सभा का आयोजन हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तो दूसरी बोध सभा का आयोजन कालाशोक ने करवाया, और ये किस वंश का राजा था, नाग वंश का राजा था, और किसका पुत्र था, शिशुनाग का। और शिशुनाग किसका सेनापति था, नागदशक का सेनापति था, जिसने सत्ता पाने के लिए उसकी हत्या की, ठीक है। राजधानी पाटलिपुत्र वही, तीसरी बोध सभा, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभा कमी, और राजा पूछता है तो आपको पता ही है राजा कौन था, कालाशोक। और कालाशोक बौद्ध धर्म अनुयायी था, ठीक है। कालाशोक से जो सत्ता को छीना वो छीना था महापद्म नंद ने। और देखो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि महापद्म नंद कोई राजा नहीं था, ठीक है, कोई राजा नहीं था, और कोई बड़ी ताकत इसके साथ जुड़ी हुई नहीं थी, एक साधारण सा व्यक्ति था। और इस समय हमारा जो समाज था वो किस में था, वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, और वर्ण व्यवस्था में भी ये अंतिम वर्ण का जाति का सदस्य था, यानी शूद्र था।
ये किसका था? शुद्ध वर्ण का था, और शुद्ध वर्ण में कौन सी जाति का था? नाई जाति। अब देखो कि एक नाई जाति के व्यक्ति ने, यानी जो उस समय वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न वर्ण का व्यक्ति था, और उसने काला शोक से सत्ता को प्राप्त किया था महापद्म नंद ने, और बाद में वो मगध का सबसे ताकतवर राजा भी हुआ। अगर महापद्म नंद के कार्यकाल तक सारे राजाओं के शासनकाल को देखें तो उनमें सबसे ताकतवर शासक महापद्म नंद था। यानी अगर हम हरियक वंश की बात करें, नाग वंश की बात करें, इसके बाद जो नंद वंश होगा, इन तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ताकतवर नंद थे मगध पर, ठीक है। यानी हरियक से भी और नाग वंश से भी इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर, इनसे कहीं बड़े साम्राज्य के शासक थे नंद वंश के राजा, ठीक है, जिसका संस्थापक महापद्म नंद था। अब ऐसा क्या हुआ कि महापद्म नंद ने काला शोक से सत्ता को प्राप्त कर लिया? अब इसमें मानते हैं कि जो काला शोक था वही अपने विनाश का कारण स्वयं बना, और ऐसा ही होता है, हमेशा आप अपनी उन्नति के और अपने विनाश के कारण आप स्वयं ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके उन्नति का और विनाश का कारण होगा, स्वयं ही होंगे, वो भी स्वयं था। और स्वयं क्या था कि ये भी बिंबिसार के तरह ही अपने जीवन में विवाह कर रहा था, ठीक है, निरंतर विवाह। और लिखते हैं लेखक कि राजा के विवाह की कोई आयु नहीं होती। अब कहते हैं कि इसकी जो विवाह नीति थी वही इसके विनाश का कारण बनी, और एक व्यक्ति की विवाह नीति साम्राज्य विस्तारित का कारण बनी। उसने विवाह नीति से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया बिंबिसार ने, लेकिन वो विवाह नीति इसके विनाश का कारण हुई। इसके निरंतर विवाह करने की वजह से ही इसकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु कैसे हुई? कहते कि निरंतर विवाह करता रहता था। अब देखो, एक समय के बाद एक व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और वो एक छोटी आयु की किसी भी लड़की के साथ विवाह करेगा तो वो तालमेल नहीं होगा उन दोनों के बीच में। ऐसे ही कहते हैं कि जो महापद्म नंद था, नाई जाति का था, काला शोक के वस्त्रों को धोना, स्त्री करना, ये उसका काम था, और महल में पकड़ा के आता था। और कहते बहुत सुंदर व्यक्ति था महापद्म नंद, ठीक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने समय का ऋतिक रोशन ही रहा होगा। अब वो दरबार में आता जाता रहता था, और काला शोक की जो एक रानी थी वो महापद्म नंद के सौंदर्य पर फिदा हो गई, ठीक है, क्योंकि प्रेम वही होगा जहाँ आकर्षण होगा। अब वो बंदा रोज आता था, कपड़े स्त्री स्त्री करके धो धा के, ठीक है, महल में पकड़ा के आता था। दिन प्रतिदिन उसके आवागमन महल में होता ही रहता था। सौंदर्य बहुत अद्भुत था, कहते कि वो किसी भी महिला को अपने सौंदर्य से आकर्षित कर सकता था, इस प्रकार का उसका सौंदर्य था महापद्म नंद का, ठीक है, ऋतिक रोशन की तरह ही। अब उसकी जो कलशुक की पत्नी थी वो महापद्म नंद से एक दिन वार्तालाप करती है, और उस वार्तालाप में उसे कहती है कि मैं तुझे मगध का राजा बना सकती हूँ। जब उस प्रकार की बातें करती तो महापद्म नंद को हंसी आ जाती है। उसे लगता है कि यार खामेखा जो रानी है मेरे साथ मजाक कर रही है, क्योंकि मैं राजा कभी बन ही नहीं सकता। एक तो मैं निम्न वर्ग का हूँ, दूसरा मेरा कोई बैकग्राउंड है नहीं राजा बनने का, ठीक है। वो उसे व्यंग करते हुए वहाँ से निकल जाता, हंसते हुए निकल जाता है। उसे लगता है कि रानी ने मेरे साथ एक व्यंग किया है। बाद में वो सोचता है कि रानी ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसी क्या योग्यता उसे मेरे अंदर लगती है। तो एक दिन रानी कहती है कि देख, तुझे दरबार तक मैं ले आऊँगी, इस दरबार तक जोड़ना मेरा कार्य है, और दरबार से राजा बनने तक वो तेरी योग्यता है। महापद्म नंद भी सोच लेता है कि चलो ठीक है, बात तो राजा बनने की है, राजा बनने का मजा ही कुछ और है। और रानी जब कभी भी काला शोक से मिलती थी, या वो कभी एक साथ बैठ के समय तो व्यतीत करते ही होंगे जब पति पत्नी है, तो महापद्म नंद की बहुत प्रशंसा करती थी। और प्रशंसा कर करके उसने दरबार में एक छोटी से नौकरी पद तक इस व्यक्ति को जुड़वा दिया, काला शोक को, सॉरी महापद्म नंद को, काला शोक के दरबार में। अब धीरे धीरे उस दरबार में छोड़ा, एक छोटे से नौकरी पद तक पहुंचा। कालाशोक बौद्ध धर्म अनुयायी था, भगवान गौतम बुद्ध की पूजा करता था, ठीक है, और जो उस समय बौद्ध धर्म के अंदर कोई मूर्ति पूजन नहीं था, तो सिर्फ ऐसे ही बैठकर एकांत स्थान पर मौन रखकर पूजा की जाती थी। तो यानी जब कभी भी कालाशोक पूजा करने के लिए जाता था तो ये बात सिर्फ उसकी रानियों को ही पता होती थी कि इस समय वो अकेले होते हैं, कोई उनके पास नहीं होता, कोई गार्ड्स नहीं होता है। तो जब वो पूजा कर रहा होता है तो उसकी वही रानी इस बात की सूचना महापद्म नंद को देती है कि कालाशोक इस समय अकेला है, कोई गार्ड्स नहीं है उसकी सुरक्षा में, इसकी हत्या करना आसान है। और महापद्म नंद कालाशोक की हत्या कर देता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कालाशोक की हत्या किस व्यक्ति ने कर दी, इतना प्रिपेड प्लानिंग था। अब जब उसकी हत्या हो जाती तो फिर बाद में एक समस्या उत्पन्न होती है दरबार के अंदर कि कालाशोक के बाद अगला राजा किसको बनाया जाए। देखो, कालाशोक के 10 पुत्रों के बारे में जिक्र होता है, ठीक है, इसके 10 पुत्र थे कालाशोक के, लेकिन 10 पुत्रों में सारे जितने भी पुत्र थे कोई मैच्योर नहीं था, कोई व्यस्त नहीं था जो राजपाट को संभाल सके, साम्राज्य की समस्याओं का समाधान कर सके। उन्हें कोई ना कोई एक सलाहकार होना आवश्यक था उनके लिए।
तो वहां पे महापद्म नंद कह देता है कि देखो महाराज तो नहीं रहे, तो एक काम करते हैं कि महाराज के सबसे बड़े पुत्र को राजा बना देते हैं, मैं रक्षक और सलाहकार दोनों बन जाता हूँ, मैं उसकी रक्षा भी करता रहूँगा और राजपाट में उसे सलाह भी देता रहूँगा। लोग सहमति भी कर लेते हैं। कहते हैं कि इसी प्रकार से कालाशोक के पुत्र को राजा बनाता था, रक्षक खुद होता था, सलाहकार खुद होता था और बाद में खुद ही उनकी हत्या कर देता था। ऐसे हत्या करते करते अंतिम पुत्र नंदीवर्धन, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है कि नागवंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था अंतिम शासक। और इसकी भी हत्या कौन कर देता है, महापद्म नंद ही। ठीक है, जब उसने नौ को निपटा दिया, कालाशोक को निपटा दिया, तो उसको भी नहीं छोड़ता, वो उसकी भी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब कालाशोक का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है। अब दरबार में और भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अब कालाशोक के साम्राज्य को कौन संभालेगा। बाद में महापद्म नंद दरबार में इस बात को रखता है कि भाई देखो, मैंने अपने शासनकाल अपने कार्यकाल में 11 राजाओं के शासन को देखा है, भाई कालाशोक हो गए, 10 उसके पुत्र हो गए, तो बताओ कोई इतना अनुभवी व्यक्ति आपके पास है जो 9 राजाओं के कार्यभार में रहा हो, कार्यकाल में रहा हो। लोग कहते हैं कि हाँ भाई, तो एक काम करते हैं कि इस पूरे राजपाट का शासक मैं ही बन बैठता हूँ। ठीक है, और इस समय बहुत ताकतवर भी हो चुका था दरबार के अंदर, इतना ताकतवर था कि कोई उसकी बात का विरोध नहीं कर सकता था। और उसके बाद उसने एक नए वंश की स्थापना की, नंद वंश की। ठीक है, और जिस रानी के साथ मिलकर उसने षड्यंत्र किया, कालाशोक की हत्या की, उसके 10 पुत्रों की हत्या की, बाद में महापद्म नंद ने उस रानी की भी हत्या कर दी। उसे लगा कि भाई जब ये कालाशोक के साथ विश्वासघात कर सके तो हमारे साथ भी कर सकती है, तो इसलिए उसने उसकी भी हत्या कर दी और एक नया वंश मगध पर स्थापित किया, नंद वंश। ठीक है, तो पहला हरियक वंश हुआ, हरियक वंश के बाद नागवंश हुआ, नागवंश से सत्ता को किसने छीन लिया, महापद्म नंद ने। किसकी हत्या करके, कालाशोक और उसके 10 पुत्र। और नागवंश का अंतिम शासक कौन हुआ, नंदीवर्धन। ठीक है, और इसके बाद मगध पर एक नई वंश ने नई वंश की स्थापना की गई, नंद वंश। देखो एग्जाम में एक क्रम भी पूछता है एग्जामिनर कि भाई मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम बताओ, कि पहले किस वंश ने शासन किया, उसके बाद किस वंश ने शासन किया। कई बार जब आप कोई अच्छा एग्जाम देंगे तो क्रम से क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले RO ARO का पेपर हुआ था UPPCS में, वहाँ पे क्रम पूछ लेता है, या आप UPPCS का पेपर दें। ठीक है, तो जब कभी आप कोई अच्छा एग्जाम देंगे तो वहाँ क्रम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम लगाओ, कि पहले कौन सा वंश, उसके बाद किस वंश ने, फिर किस वंश ने शासन किया। तो पहला हरियक वंश, दूसरा नाग वंश और तीसरा हो गया नंद वंश। और नंद वंश की स्थापना किसने की, इसका संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने राजधानी किसको बनाया था, पाटलिपुत्र को। ठीक है, अब देखो महापद्म नंद वर्ण व्यवस्था में शुद्ध वर्ग का था, नाई जाति का था, तो सीधी बात है कि उस समय वो किस धर्म को मानता होगा, बौद्ध धर्म को ही मानता होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में शुद्ध वर्ग के लोगों का कोई स्थान नहीं था, मतलब उन्हें इतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं था, सम्मान नहीं था, तो इसलिए उसने किस धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो नंद वंश के जितने भी राजा थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म अनुयायी थे। तो महापद्म नंद भी किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को ही मानता था, बल्कि कालाशोक भी बौद्ध धर्म अनुयायी था। ठीक है, अब देखो वर्ण व्यवस्था के आधार पर शुद्ध वर्ग का था, लेकिन शासन व्यवस्था के आधार पर देखें तो वो क्षत्रिय था। ठीक है, वो वर्ण व्यवस्था के बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे समाज में इस वर्ण व्यवस्था को तैयार किया गया, पहली वर्ण व्यवस्था में और बाद की वर्ण व्यवस्था में क्या अंतर हुए। ठीक है, क्या कारण हुए कि वर्ण व्यवस्था को समाज में एक मजबूती के साथ रखा गया। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, जब कभी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो राजधानी इसने पाटलिपुत्र को बनाया। अब इसे पुराणों में एक अन्य नाम से जानते हैं, और पुराणों में इसे क्या कहा जाता है, दुत्ते परशुराम कहते हैं। ठीक है, दुत्ते परशुराम के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो दुत्ते परशुराम किसको कहते हैं, दुत्ते परशुराम कहते हैं महापद्म नंद को, नंद वंश के शासक को। अब देखो परशुराम के बारे में आपने सुना होगा, रामायण और महाभारत दोनों में भगवान परशुराम का करैक्टर नजर आता है। ठीक है, देखो परशुराम वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड पे सबसे अधिक क्षत्रियों का विनाश किया था।
यही कहते हैं कि 22 बार उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों को खत्म कर दिया था, ठीक है, इस बात को मानते हैं। उसके उनके बाद अगर क्षत्रिय शासकों को सबसे अधिक बार किसी ने पराजित किया है तो किसने किया है, महापद्म नंद के द्वारा सबसे अधिक बार क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया गया। यानी इस समय मानते हैं कि महापद्म नंद ने अपने समीपवर्ती जितने भी क्षत्रिय राजा थे सबको पराजित कर दिया था। तो सबको पराजित करने की वजह से ही इसे एक अन्य नाम से जाना गया, और वो अन्य नाम क्या था, दुत्ते परशुराम। तो पुराणों में एक अन्य नाम मिला, दुत्ते परशुराम। तो दुत्ते परशुराम के नाम से किसको जाना गया, महापद्म नंद को। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भाई कलिंग पर सर्वप्रथम हमला किसने किया था, पहला हमला, तो पहला हमला किसका मानते हैं, तो नंद वंश के राजा महापद्म नंद का मानते हैं। और पहले हमले का जो कारण है वो क्या मानते हैं, इस समय यहां का जो राजा था वो जरासंघ तो बाद में आता है, ठीक है, जरासंघ भी क्या था, बौद्ध धर्म अनुयायी था। तो कलिंग को पराजित करने वाला पहला राजा कौन था, महापद्म नंद था। और महापद्म नंद के बाद कलिंग पर हमला करने का जो जिक्र आता है वो मौर्य वंश के राजा अशोक का आता है, जिसने कलिंग का युद्ध किया था, और जिस कलिंग के युद्ध में काफ़ी नरसंहार हुआ, ठीक है, काफ़ी लोगों की हत्याएं हुई, और प्राचीन भारत का सबसे विध्वंसक युद्ध माना जाता है। इसके बाद अशोक ने शस्त्र नीति का त्याग कर दिया, ठीक है, और निशस्त्र नीति को अपनाया। बात करेंगे उस पर क्या कारण था, ठीक है। तो महापद्म नंद पहला मगध का राजा था जिसके द्वारा कलिंग पर हमला किया गया, और कलिंग के राजा जरासंघ ने पराजित किया था, ठीक है। और कलिंग कहाँ पड़ता था, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा। तो कलिंग पहले किसको कहते थे, उड़ीसा को कहते थे, ठीक है। देखो महापद्म नंद के बाद 10 राजाओं का नाम उल्लेख होता है, और इसके बाद जो शासक था वो घनानंद था। और घनानंद किस लिए हाईलाइटेड हुआ, यानी महापद्म नंद के बाद जितने भी राजा हुए वो उतने योग्यवान नहीं थे। और कहते कि जो महापद्म नंद के बाद के राजा थे उन्हें धन से बहुत प्रेम था, यानी अन्य राजाओं ने जनता के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए, कर लगाने शुरू कर दिए गए, और अत्यधिक कर लगाने की वजह से ही नंद वंश का अंत का कारण भी हुआ, ठीक है। और कहते हैं घनानंद तो बहुत प्रेम करता था धन से, हर छोटी चीज़ पर टैक्स लगाया। कहते हैं कि प्रजा अगर राजा को देख लेती थी उसका भी वो टैक्स ले लेता था, किसी को राजा से मिलना है, अपनी बात राजा से कुछ कहना है तो मिलने के लिए भी उसे रिश्वत देनी होती थी, पैसा देना होता था, तब घनानंद मिलता था, ठीक है। तो नहीं, धन से बहुत प्रेम था। और कहते हैं कि घनानंद ने बहुत धन को एकत्रित करके गंगा नदी के अंदर भी छुपाया था, ठीक है, इसलिए लेखक मानते हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी वो धन होगा, वो तो पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि इसने बहुत धन को गंगा नदी के अंदर छुपवाया था, इतना धन एकत्रित किया था घनानंद के द्वारा। लेकिन घनानंद सुर्खियों में किस व्यक्ति की वजह से रहा, वो सुर्खियों में रहा यूनानी आक्रांता की वजह से। और यूनानी आक्रांता कौन था, यूनानी आक्रांता अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर यानी क्वेश्चन पूछता है कि अलेक्जेंडर ने जब भारत पर हमला किया तो उस समय मगध का शासक कौन था, तो मगध का शासक कौन था, घनानंद था। घनानंद उस समय मगध का राजा था जब अलेक्जेंडर ने हमला किया। या पूछ लेते हैं कि अलेक्जेंडर के समय मगध पर किस वंश का शासन था, तो किस वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था जब अलेक्जेंडर के द्वारा भारत पर हमला किया गया। तो मगध पर नंद शासन करते थे, और नंदों का उस समय राजा कौन था, घनानंद था। बल्कि अलेक्जेंडर और घनानंद के बीच में युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नदी पड़ती थी, व्यास नदी, और व्यास नदी को पार करने से अलेक्जेंडर की सेना ने मना कर दिया। अगर व्यास नदी को पार किया होता अलेक्जेंडर ने तो उसका आगमन मगध में होता, और फिर उसका युद्ध किसके साथ होता, घनानंद के साथ होता। हो सकता है इतिहास उसके बाद कुछ और होता, ठीक है, लेकिन वो व्यास नदी से ही वापस लौट के चला गया, तो इसलिए घनानंद अलेक्जेंडर के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि घनानंद किसका समकालीन था, तो किसका समकालीन था, अलेक्जेंडर का समकालीन था। और समकालीन का मतलब कि दोनों एक ही समय के शासक थे, यानी उस समय वो यूनानी शासक था, इस समय ये नंदों का राजा था, ठीक है। लेकिन घनानंद से एक व्यक्ति ने सत्ता को प्राप्त किया था, यानी नंद वंश के बाद जो मगध पर शासन किया वो किस वंश ने शासन किया था, मौर्य वंश। और इस वंश के बारे में आपने सुना ही होगा, यानी मगध पर शासन करने वाला सबसे ताकतवर वंश, अखंड भारत तैयार करने वाला, अखंड भारत का सपना देखने वाला पहला वंश कौन सा था, मौर्य वंश था। मौर्य वंश ने ही अखंड भारत का सपना देखा था, और अखंड भारत खड़ा करने का सपना किसने देखा था, सबसे पहले चाणक्य,
ठीक है। चाणक्य और घनानंद के बीच के विवाद का एक संघर्ष है, क्योंकि जो चाणक्य थे वो किसके दरबार में थे, कहते हैं कि चाणक्य घनानंद के दरबार में एक छोटे से अधिकारी पद पर रहते थे, और चाणक्य और घनानंद के बीच में जो विवाद का कारण था वो विवाद का कारण भी यूनानी आक्रमण ही था। और ऐसा क्या हुआ यूनानी आक्रमण के दौरान में कि घनानंद और चाणक्य के बीच विवाद हो गया, तो उसका मेन जो कारण मानते हैं वो यही मानते हैं कि जिस समय अलेक्जेंडर की सेनाएं भारत की तरफ बढ़ रही थी, और उस समय अगर यूनानी सेना को कोई पराजित कर सकता था, टक्कर दे सकता था, तो मगध जनपद ही था, क्योंकि सबसे ताकतवर जनपद उस समय मगध ही था। और मगध जनपद को अगर यूनानी सेना से लड़ना था तो एक संगठन बनाना आवश्यक था। जब घनानंद के दरबार में बैठे थे, घनानंद अपने अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहा था कि यूनानी सेना को पराजित करने के लिए हमें क्या योजना बनानी चाहिए, कैसे यूनानी सेना को पराजित कर सकते हैं, जो फौजें कहीं पराजित नहीं हुई उन्हें कैसे हराया जा सकता है। तो तब उस दरबार में चाणक्य कहता है कि संगठन से ही यूनानी सेना को पराजित कर सकते हैं, यदि संगठन तैयार नहीं कर पाए तो कोई भी भारतीय शासक अलेक्जेंडर की फौज को पराजित नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो इस बात को रखता है तो इस बात से घनानंद कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करता है कि भाई मेरे दरबार में बैठा हुआ अधिकारी वो इस बात को कह रहा है कि कोई पराजित नहीं कर सकता, भाई हम कर सकते हैं, हमसे ताकतवर तो कोई भारत में है ही नहीं, हमारे पास सबसे विशाल सेना है, हम दम रखते हैं यूनानी सेना को पराजित करने का। लेकिन चाणक्य कहता था कि बिल्कुल नहीं कर सकते, संगठन ही यूनानी सेना को पराजित कर सकता है। इसी बात पर विवाद हुआ और कहते हैं कि चाणक्य को उस नौकरी पद से हटा दिया, जिस छोटे से नौकरी पद पर रखा गया था, चाणक्य को पद से हटाया जाना उसे अपने अपमान लगा, और अपमानित होने पर उसने वहाँ पर थोड़ा गुस्सा जाहिर कर दिया घनानंद के प्रति, ठीक है। और घनानंद ने चाणक्य के गुस्से को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, ठीक है, और ये घनानंद की मूर्खता का कारण भी रहा, अपमानित भी किया और उसे उसके नौकरी पद से भी हटा दिया, और उसे कहा कि आप हमारे दरबार से यानी मेरे साम्राज्य से बाहर निकल जाओ, ठीक है। और जब कहा गया तो चाणक्य ने भी कह दिया कि अब मैं मगध साम्राज्य में पुनः तभी आऊँगा जब मैं नंदों का अंत कर दूंगा, और जब तक मैं नंदों का अंत नहीं कर पाऊंगा मैं कभी मगध साम्राज्य में वापस लौट कर नहीं आऊँगा, ठीक है। इस बात को चाणक्य कहता है, चाणक्य की इस बात को घनानंद बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। वो क्यों नहीं लेता कि भाई कोई कर्मचारी आपके यहाँ नौकरी करता हो, आप उस कर्मचारी को निकाल दें और आपकी पावर अंबानी लेवल की हो, और कोई बंदा आपके सामने एकदम ग्रुप डी लेवल का बंदा हो, आपको चैलेंज करें तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई हमारे उसके बीच में कोई द्वंद्व नहीं है। इसलिए घनानंद मानता था कि ये थोड़ा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, अपने मन की बातें शब्दों में कह के चला जाएगा, उसके बाद सोचेगा कि भाई जो मैं कह के आया हूँ ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। पर चाणक्य ने वो सिद्ध करके दिखाया, क्योंकि घनानंद स्वयं को विशालकाय हाथी कहता था और चाणक्य को वो चींटी, और कहते कि चींटी और हाथी का कोई द्वंद्व नहीं होता। देखिए चाणक्य ने इस बात को भी कहा था कि अगर चींटी सही जगह प्रहार करे तो विशालकाय हाथी भी मर जाता है, ठीक है। सही जगह और सही समय पर किया गया प्रहार हमेशा कारगर होता है, इस बात का साक्ष्य चाणक्य है, और वो मगध साम्राज्य को छोड़ के चला गया, और जो चाणक्य ने कहा वो उसने सिद्ध भी करके दिखाया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी शत्रु चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, यदि आप उसे कमज़ोर समझ रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपकी हार होगी, आप कभी नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। इसलिए जब भी कोई भी कार्य किया जाए, कार्य छोटा हो बड़ा हो, यदि कार्य को आप सीरियस नहीं लेंगे तो आप उस कार्य को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्य या कोई भी जीत तभी प्राप्त की जा सकती है जब आप उसे निश्चित दृढ़ता के साथ करें, ठीक है, और उसे सीरियस लें। अब सोचो अगर वो वहीं पे आदेश दे देता अपने गार्ड्स को कि ख़त्म कर दो चाणक्य को, और चाणक्य को वहीं मार दिया जाता तो क्या आपको लगता था कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य तैयार कर पाता, और जब चंद्रगुप्त मौर्य आता ही नहीं तो घनानंद को कौन मार पाता, तो लगता था कि नंदों का अंत होता, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करता, तो उसने उसे जाने ही दिया, ठीक है। वो किसकी मूर्खता हुई, घनानंद की मूर्खता हुई, ठीक है, और वहाँ से जिंदा वापस चला जाना वो किसका सौभाग्य रहा, चाणक्य का रहा, भाई कोई पावरफुल बंदे को उसके घर में आप डायलॉग दे के आ जाओ और वहाँ से आप जिंदे लौट के आ रहे हो तो अपना सौभाग्य ही मानोगे आप, ठीक है। और बाद में वो तभी लौट कर आया जब उसने अंत कर दिया, और नंद वंश के बाद जो मगध पर वंश हुआ जिसने शासन किया वो कौन हुआ, मौर्य वंश हुआ, और मौर्य मगध साम्राज्य का मगध जनपद का सबसे ताकतवर वंश था, ठीक है। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो मौर्य वंश के ऊपर होगी, हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक सम्राट के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। जिस बच्चे ने कभी राजा सही जीवन नहीं जिया, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इस भारत का सम्राट बनेगा,
उस व्यक्ति को सम्राट बना दिया। ठीक है, तो हम अगली जो क्लास होगी वो मौर्य वंश के बारे में ही बात करेंगे, और मौर्य वंश में हम बात करेंगे चाणक्य के संघर्ष के बारे में कि चाणक्य ने कितने संघर्ष के साथ एक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और जो भारत का एक सम्राट बना। और अब तक की जितनी भी राजाओं के बारे में हमने बात की है वो उनमें सबसे ताकतवर था, यानी यूनानी लेखक तो इतना तक भी लिखते हैं कि वो किसी भी खतरनाक था, अलेक्जेंडर से भी, चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं वो इससे भी महान और इससे भी कहीं ताकतवर शासक था। तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य किससे भी अच्छा सेनानायक था, अलेक्जेंडर से भी अच्छा सेनानायक था, और यूनानी लेखक उसे सेंड्रोकोटस कहते थे। ठीक है, तो यूनानी लेखकों के द्वारा उसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। तो इससे जो अगली क्लास होगी वो मौर्य वंश के बारे में बात होगी। आज तक के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए जय हिंद।